हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, कि मेडिकल कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म या फिर सबसे बेस्ट कौन सी जगह है जहाँ से आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो ऑन मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग के बारे में अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। सबसे पहले ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि मेडिकल कोडिंग के बारे में आप लोग गूगल से भी जान सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ से जान सकते हो, लेकिन कहाँ से मेडिकल कोडिंग के ऊपर कोर्सेज करें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेडिकल कोडिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने जान लिया, लेकिन इंटरेस्ट जब आया तब इस कोर्स को मैं करूँ कहाँ, क्योंकि अगर मैं एम फार्म कर रहा हूँ या फिर बी फार्म कर रहा हूँ या फिर कोई और कोर्स कर रहा हूँ, बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री, इसके साथ साथ अगर मुझे कोडिंग के ऊपर कोर्स करना है, कोडिंग के लिए जानना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कहीं पर जाके ये कोर्स करूँ या फिर कोर्स सीखूँ, राइट। तो इसीलिए ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, सबसे चीप प्राइस में, मतलब सबसे कम प्राइस में एकदम लेवल ऑफ एडुकेशन कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, सीखने के लिए मिलेगा कहाँ पे? क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेडिकल कोडिंग का जो कोर्स है ये नॉर्मली एक डॉक्यूमेंटेशन है, कोडिंग के ऊपर बेस करके कोर्स है। तो आप लोग ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, काइंड ऑफ सिमिलर है। अगर वहाँ का एकेडमिक्स ठीक तरीके से आपको सिखाते हैं, जो एकेडमियंस रहते हैं वहाँ पे, अगर ठीक तरीके से आपको सिखाया गया तो ऑनलाइन भी बेस्ट है, ऑफलाइन भी बेस्ट है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर दूँ कि व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग, ताकि आप सबको पता चले कि किसके बारे में आप लोग जानना चाह रहे हो, ठीक है। मेडिकल कोडिंग का अगर मैं एक प्रोफेशनल डेफिनेशन दूँ तो वो है, मेडिकल कोडिंग इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ केयर डायग्नोसिस प्रोसीड्योर्स मेडिकल सर्विसेज एंड इक्विपमेंट इनटू एन यूनिवर्सल मेडिकल अल्फान्यूमेरिक कोड्स। तो इन सिंपली अगर मैं कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारे, मतलब हॉस्पिटल हो या कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम, लैबोरेटरीज हो, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ होते हैं लाइक डायग्नोसिस होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, लैब इक्विपमेंट्स रहते हैं, प्रोसीड्योर्स रहता है एंड मेडिकल सर्विस रहता है अनदर, ठीक है, इन सभी जो प्रोसेस है इनको एक यूनिवर्सल मतलब वर्ल्ड वाइड यूज़ करने वाला कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या फिर अल्फा न्यूमेरिक कोड्स को ट्रांसफॉर्म करना कोड में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मेडिकल कोडिंग। क्या क्या इंक्लूड है यहाँ पे? द डायग्नोसिस एंड द प्रोसीड्योर कोड्स आर टेकन फ्रॉम मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन। सारे जो चीज़ें हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड अनदर इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, इन सारे को एक ट्रांसक्रिप्शन के फॉर्म में एक डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल व्हाट इज मेडिकल कोडिंग। अभी इसको अगर एक डेफिनेट फॉर्म में बताऊँ तो एक बड़ा वीडियो हो जाएगा, उसके लिए अगर आप मुझे कॉमेंट करेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इसका करियर क्या है, कितना सैलरी हो सकता है इसको करने के बाद, बैचलर के बाद अगर इसको करेंगे आप लोग तो एज अ करियर ये कितना अच्छा है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए देख लेते हैं कोर्स के बारे में कहाँ से आप लोग करेंगे। तो ये जो वेबसाइट देख ले आप, इसका नाम है यूडेमी। यूडेमी एक बहुत फेमस एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से आप लोग न्यूमेरियस ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, आई एम अगेन टेलिंग, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं यूडेमी से कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। दिस इज़ ऑल फॉर एडुकेशनल पर्पस जस्ट, और कोई यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं है। यूडेमी जो वेबसाइट है ये खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ बैचलर के टाइम से, बहुत सारे ऑनलाइन यहाँ पे कोर्सेस है एंड मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्सेस है। विथ दैट यहाँ पे मैंने कुछ साइकोलॉजी के कोर्स किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ कोर्सेज है जो कि बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि आज के जो कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे वो बस 449 में डिस्काउंट में हम लोग को मिल रहा है। कोई भी न्यू स्टूडेंट हो जहाँ पे अगर साइन अप करते हो तो 449 में बस आपको एक कोर्स करने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैं कुछ एक दो और वेबसाइट में दिखाऊँ, यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं दिखाऊँ, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप लोग करने जाएंगे तो आपको मिनिमम 20,000 आपको देना होगा, मिनिमम 20,000 टू 30,000 के अराउंड आपको एक फ़ीस देना होता है कोई भी मेडिकल कोडिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतने कम प्राइस में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आपको करना है वो है अकाउंट बना लेना है। साइन अप पे जाएंगे आप लोग, नीचे इसका लिंक दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आपको फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये तीनों चीज़ देके आप लोग साइन इन कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। सर्च वाले ऑप्शन पे जाके आपको सिंपली सर्च करना है मेडिकल कोडिंग, ओके। जस्ट सिंपली आप लोग लिखेंगे यहाँ पे मेडिकल कोडिंग, जैसे मैंने लिखा है, फिर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस है सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक के बाद एक कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है आपको दिखाऊंगा, मैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस है। सबसे पहला जो कोर्स आप लोग देख रहे हैं है मेडिकल कोडिंग CPC मतलब सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर ट्रेनिंग। ये सबसे बेस्ट कोर्स है मेरे हिसाब से, ऑल दो जो नीचे वाला कोर्स आप लोग देख रहे हैं वो बेस्ट सेलर रह चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, ठीक है,
ये आप लोग इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, मतलब आप एक सर्टिफाइड आप लोग प्रोफेशनल कोडर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। ये टोटल जो कोर्स है यहाँ पे 139 लेक्चर्स है, ऑल वीडियो लेक्चर्स है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब कुछ पीडीएफ फाइल जो पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, सारा कुछ कोर्स इंग्लिश में है पूरा। एंड कौन क्रिएट किया है, कौन यहाँ पे आपको सिखाने वाला है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑफर दे सकते हैं 84% ऑफर चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली इसका प्राइस है 2799। यहाँ पे यू विल लर्न द थिंग्स हाउ द पैटर्न विल बी फॉर सीपीसी एग्जाम एंड सम क्वेश्चंस एंड आंसर एक्सप्लेन, ICD-10 CM गाइडलाइंस चैप्टर 1-10, सर्जरी प्रोसीड्योर्स इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए यहाँ पे, कुछ नहीं चाहिए, बस नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड मेडिकल कोडिंग टू अटेंड सीपीसी एग्जाम, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा, और बेसिक टर्मिनोलॉजी नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैक्सिमम सभी लोग, तो आपके पास इतना नॉलेज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का होगा। गाइडलाइंस टॉपिक क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा आप सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इस कोर्स को खत्म करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्प्लीटेशन, जहाँ पे एज आप एक प्रोफेशनल कोडर के हिसाब से आप लोग सर्टिफाइड होंगे। नेक्स्ट कोर्स की अगर बात करें तो ये वाला कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं। नीचे और भी कोर्सेस है, जैसे कि सेकेंड वाला की अगर बात करें तो ये सबसे बेस्ट सेलिंग कोर्स है, AMCI इंट्रोडक्शन टू द मेडिकल कोडिंग 1-2 MC I2 MC कोर्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मेडिकल कोडिंग ये बेसिक है, मतलब एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे आप सीखेंगे। तो आई थिंक कि मेडिकल कोडिंग जो फर्स्ट वाला कोर्स है वो बेटर है आपके लिए, ऑल दो वहाँ पे भी आपको बेसिक सिखाया जाएगा। यहाँ पे भी नीचे वाला जो कोर्स देख रहे हैं वो आप इन दोनों कोर्स के बाद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट ICD-10 and 11 सीखने के लिए मिलेगा। तो बेसिक अगर आप सीखेंगे या फिर इंट्रो पार्ट, तो भी आपको पता चलेगा कि ICD-10, 11 ये सब है क्या। ये सब मेडिकल कोडिंग का ही डिफरेंट पार्ट है, बिलिंग एंड कोडिंग का। मेडिकल कोडिंग एंड मेडिकल बिलिंग दोनों डिफरेंट है। तो जब ये दोनों में से कोई भी कोर्स आप कर लेते हो, उसके बाद फॉर बेटर फॉर एडवांस लेवल आप इन सारे कोर्सेज को कर सकते हो, जहाँ पे आप ICD-10, 11 नीचे आप देख सकते हो ICD-10 CM गाइडलाइंस फॉर कोडिंग, स्पेशलिटी अप्रोच टू लर्निंग मेडिकल कोडिंग, इस वाले कोर्स को भी आप लोग फर्स्ट सेकंड की तरह कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट या सेकंड मैंने दिखाया, ये थर्ड वाला, ये वाला भी आप लोग ऐसे थर्ड कर सकते हो, इन तीनों में कोई भी। नीचे देख सकते हो ये अनदर डेप्थ नॉलेज के लिए एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल कोडिंग, मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग स्टार्ट ए प्रोफेशनल करियर, ये कोर्स कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग एंड बिलिंग साथ में सीखना है तो ये कोर्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मेडिकल कोडिंग, ICD-10 CM डायग्नोसिस कोड ट्रेनिंग, इन सारे को आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। पहले आप लोग मेडिकल नॉर्मल कोडिंग को सीखो, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसको करने का इतना कुछ फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोडिंग के अंडर आप लोग टर्मिनोलॉजी सीख लो। सो दीस आर द ऑल कोर्सेज जो आप लोग कर सकते हो फॉर बेसिक और इंट्रो पार्ट एंड एडवांस लेवल, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट इज ऑल। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड शेयर टू एवरीबॉडी, जो भी मेडिकल कोर्स, जो भी मेडिकल कोडिंग में इंटरेस्टेड है, उन सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।